अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं महविश ज़ीशान और आप देख रहे हैं महविश कुकिंग एंड व्लॉग यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में लेके आए हैं बीन सैलड की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी एंड यमी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझसे शेयर करें कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी है। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलें जी, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्हें बनाने के लिए हमने किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एल्बो मैक्रोनी ली है हमने 1 कप, सफ़ेद चने लिए हैं हमने 1 कप जो ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं, राजमा लिया है 1 कप जो ऑलरेडी मैंने बॉयल किया हुआ है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं इन्हें मैंने चॉप कर लिया है, नमक लिया है 1 चुटकी, टमाटर लिया है 1 अदद जो मैंने चॉप किया हुआ है, चाट मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, कूटा हुआ पुदीना लिया है 1/2 टीस्पून, कटी हुई हरी मछली है 5 अदद, इमली का पल्प यूज़ करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने इमली को अच्छे से मसल के गुठलियाँ अलग कर ली हैं और इसमें 3 टेबलस्पून शुगर ऐड की है और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। देन हम टमाटो केचप यूज़ करेंगे 1 कप, 2 ककम्बर यूज़ करेंगे, इसकी कटिंग हम वीडियो में आपके सामने करते हैं। चलें जी, हम अपने ककम्बर की कटिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके एजिस को रिमूव करेंगे। कटिंग का मेथड बहुत ही यूनिक है, सेम इसी प्रोसेस में आपने कटिंग करनी है। देखें जी, क्यूकम्बर को हमने इस फॉर्म में कट करना है, बहुत ही बारीक इसकी कटिंग हमने करनी है। सेम इसी प्रोसेस में आपने क्यूकम्बर कटिंग करने हैं। देखें जी, हमने अपनी क्यूकम्बर की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। एक बाउल लेंगे, इसमें केचप ऐड करेंगे, देन इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ पुदीना ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद सबसे पहले हम इसमें सफ़ेद चने ऐड करेंगे, देन बीन्स ऐड करेंगे, कटे हुए कुकम्बर ऐड करेंगे, एल्बो मैक्रोनी ऐड करेंगे, इसमें टमाटो और ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, अनियन ऐड करेंगे, लास्ट में हम इमली का पल्प यूज़ करेंगे 1/2 कप। इसे हम तमाम मिक्सचर में अच्छे से स्प्रेड करेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जी, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, फाइनल लुक आपके सामने है। तो तैयार है हमारा बीन सैलड, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बच्चों और बड़ों का मनपसंद है और बहुत ही टेस्टी और यमी होता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, यह आपकी तरफ से छोटा सा इनाम होता है। अगर चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।